Hello everyone, myself Kartik Sagar. I welcome you all. This is the fourth lecture of Vehicle Kinematics and Dynamics. And before that, we have done three lectures. So, three lectures have been done. And we have seen many things. Okay, three lectures, we have seen some things. Like, for example, we have seen the introduction of the subject. इसके अलावा हम काइनेमेटिक लिंक, व्हाट इज़ काइनेमेटिक लिंक ये स्टडी कर चुके हैं. व्हाट इज़ काइनेमेटिक पेयर, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन एंड ऑन व्हाट बेसिस द क्लासिफिकेशन इज डन. उसके बाद थर्ड जो देखा था हमने, काइनेमेटिक चेन देखा था लास्ट लेक्चर में और मैकेनिज्म देखा था. ठीक है, तो काइनेमेटिक चेन जो है उसमें ही एक लिंक फिक्स कर देते हैं तो हमें एक मैकेनिज्म मिल जाता है. ठीक है, और काइनेमेटिक चेन इज़ मेड अप ऑफ सेवरल काइनेमेटिक्स पेयर. तो काइनेमेटिक्स पेयर को इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक जब कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे के साथ, जॉइंट कर देते हैं तो वी कैन फॉर्म अ काइनेमेटिक चेन. ठीक है, उसी के अंदर मॉडिफिकेशन किया गया है तो हमें मैकेनिज्म मिला है. ठीक है, एंड मैकेनिज्म जो होती है जिसका मेन जो दो काम रहते हैं, आइदर वी कैन यूज़ इट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द मोशन और ट्रांसमिटिंग द मोशन. ठीक है, तो ट्रांसमिट मोशन करने के लिए हम नॉर्मली मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और अगर जो मैकेनिज्म है वो अगर कुछ यूजफुल आउटपुट वर्क दे रहा है देन वी विल कॉल इट एज अ मशीन. ठीक है, तो मशीन एक मैकेनिज्म से भी बन सकता है और वी कैन गो फॉर सेवरल मैकेनिज्म, ज़्यादा मैकेनिज्म यूज़ करके भी मशीन बनाए जा सकते हैं. तो डैट इज़ डिपेंड्स ऑन कि आपका आउटपुट में आपको वर्क जो है वो एक मैकेनिज्म से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है. ठीक है, उसके बाद हमने देखा है व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ जॉइंट. ठीक है, जब भी हम जॉइंट करते हैं तो देयर नीड्स टू बी अ सेवरल जॉइंट्स. तो जो हमारे बाइनरी जॉइंट्स है, टर्नरी जॉइंट्स है, क्वार्टरनरी जॉइंट्स है. ठीक है, तो वो हमने स्टडी किया था. ओके, और अगर आपके एक पॉइंट एक जॉइंट के पास अगर सात लिंक या एल नंबर ऑफ लिंक अगर कनेक्टेड है देन वी विल कंसिडर एज अ एल माइनस वन बाइनरी जॉइंट्स. तो वाइल एनालिसिस और कैलकुलेशन वी विल कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी जॉइंट्स. ठीक है, ये हमने स्टडी किया. इसके अलावा हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था, कस्बे क्राइटेरिया. ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर कैलकुलेट करना चाहते हो एंड इफ़ यू हैव अ वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ जॉइंट एंड हायर पेयर. अगर आपके पास लिंक, नंबर ऑफ लिंक कितनी है, नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं मैकेनिज्म में और कितने हायर पेयर है, सो ये फार्मूला की हेल्प से आप नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कितने वेरिएबल्स है जिसको आपको कंट्रोल करना है फॉर कंट्रोलिंग द मोशन. आपको जो भी मैकेनिज्म है उसमें आपको मोशन को कंट्रोल करना है तो कितने फैक्टर्स जो है जिनको इंडिपेंडेंटली आपको कंट्रोल करना पड़ सकता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म. इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, और ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट साइकल्स है, मैकेनिज्म्स है, उसके रिलेटेड इन्वर्जन्स जितने भी है वो सारे एक ही लेक्चर में हम आज ख़त्म करेंगे. ठीक है, इसके रिलेटेड मैं जो भी आपका आप पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर मैकेनिज्म्स, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म स्टडी करना चाहते तो उसके लिए मैं आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम देख लीजिए कि कौन से टाइम पे कौन सा टॉपिक जो है आ रहा है, जिससे आपको हेल्प हो जाए, आपका टाइम बच जाए, कि आपको पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर पढ़ना है. ठीक है, सो समझते हैं पहले व्हाट इज़ इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म. ठीक है, तो व्हेन वन ऑफ द लिंक इज फिक्स्ड इन अ काइनेमेटिक चेन दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म. ठीक है, आपकी कोई भी काइनेमेटिक चेन है उसमें एक आप लिंक को फिक्स कर दो तो एक मैकेनिज्म बनता है. ठीक है, तो अगर आपके पास चार लिंक है, एक मैकेनिज्म बना है जिसके अंदर चार लिंक है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले लिंक वन को फिक्स करो तो एक मैकेनिज्म मिला. ठीक है, दूसरे केस के अंदर आप लिंक टू को फिक्स करो, बाकी सारे लिंक फ्री रखो तो एक और मैकेनिज्म मिला. फिर तीसरे केस में आप लिंक थ्री को फिक्स करो, बाकी सारे लिंक को फ्री कर दो तो आपको एक तीसरा लिंक मैकेनिज्म मिला. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म. आप एक ही मैकेनिज्म के अंदर मॉडिफिकेशन करके, ठीक है, जो भी आप लिंक फिक्स कर रहे हो उसको आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आपको एक नया मैकेनिज्म मिल सकता है. दैट इज़ कॉल इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म. तो बाय डेफिनेशन यू कैन कॉल दैट वी कैन ऑब्टेन एज मैनी एज मैकेनिज्म एज द नंबर ऑफ लिंक इन द काइनेमेटिक चेन बाय फिक्सिंग इन टर्न डिफरेंट mechanism can be formed. This method of obtaining different mechanism is called kinematic inversion of mechanism. ठीक है, तो आप mechanism अलग अलग चाहिए आपको. अगर आपके पास L number of mechanism है, ठीक है, kinematic links है, यानी एक एक जो member है वो अगर आपके पास L number है तो L minus जो L number of आप inversion प्राप्त कर सकते हो, यानी दूसरे L number of mechanism बना सकते हो एक mechanism से. ठीक है,
तो सिंपल कहा गया है कि ऑब्टेनिंग एज मैनी एज लिंक विच आर अवेलेबल इन द काइनेमेटिक चेन बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। तो इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म कैसे बनेगा कि आपका फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा फोर बार चेन मैकेनिज्म का, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक वन जो है वो फिक्स्ड है, ओ टू ओ फोर जो आपको पिवोटेड जॉइंट दिख रहे हैं जहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वो लिंक हमारी यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, ये आपकी लिंक फिक्स है। और बाकी की सारी लिंक है जो फ्री है, जिसके पास टर्निंग मोमेंट है तो दे कैन टर्न, ठीक है, विथ रेफरेंस टू अनदर लिंक, ठीक है। मगर अब सेकेंड केस के अंदर आप ये ओ टू ओ फोर जो हमारी लिंक है उसको आप फ्री कर दो और उसकी जगह पे आपने सामने की लिंक को फिक्स कर दिया तो आपको एक और मैकेनिज्म मिल जाएगी, ठीक है। तो उसकी इनपुट इनपुट मोशन देने पे आपको आउटपुट मोशन शायद अलग मिल सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल इन्वर्जन। तो एक केस में आप लिंक वन को फिक्स करो, फिर लिंक टू को फिक्स करो, फिर लिंक थ्री को फिक्स करो, ठीक है। तो आप चार अलग अलग केस में चार अलग अलग लिंक को फिक्स करोगे तो चार अलग अलग मैकेनिज्म मिलेगी, ठीक है। दिस इज़ वॉट इज़ कॉल इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, ओके। और यहाँ पे जब हम लिंक को फॉलो कर रहे हैं तो जहाँ पे आपका लिंक फिक्स है, ठीक है, जिसमें आप मेन मोशन दे रहे हो डैट इज़ कॉल्ड ड्राइवर, और जो भी मैकेनिज्म उसको फॉलो करती है और जिसको ट्रांसमिट किया जाता है इसको फॉलोअर कहा जाता है। तो आपकी जो भी इनपुट एनर्जी जिसको दे रहे हैं डैट इज़ कॉल्ड ड्राइवर, ठीक है। एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड फॉलोअर, जो इसको फॉलो करते हैं यानी मोशन ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन, ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक चेन्स है जिसके इन्वर्जन हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो उसमें जो तीन इंपॉर्टेंट है विच आर फोर बार चेन मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन एंड डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट है, फोर बार चेन मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन एंड डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे डिफरेंट लिंक को फिक्स करेंगे अलग अलग केसेस के लिए और आपको अलग अलग मैकेनिज्म मिलेगी, अलग अलग आउटपुट मिलेगा, अलग अलग मोशन मिलेगा जो हमें काम आ सकता है कहीं पे, ठीक है, मशीन्स के अंदर। तो देखते हैं क्या है। पहला जो हमारा है डैट इज़ फोर बार चेन मैकेनिज्म, जिसका दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक साइकिल चेन, ठीक है। फोर बार चेन मैकेनिज्म नाम याद रखिए और क्वाड्रेटिक साइकिल चेन, ठीक है, नाम से ही पता चलता है कि देर आर फोर बार और फोर लिंक्स, ठीक है, चार लिंक है उसके अंदर और एक चेन बन रहा है, यानी आपके पास चार लिंक है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि जिससे आपका एक क्लोज लिंक और साइकिल बनेगा, ठीक है। तो फिगर में आपको दिख रहा होगा ए टू डी फोर लिंक फोर है, उसके बाद डी टू सी एक लिंक है, फिर सी टू बी एक लिंक है और देन ए बी एक लिंक है, ठीक है, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ए बी लिंक जो है डैट इज़ फिक्स्ड, ओके। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मैकेनिज्म और काइनेमेटिक चेन जिसके अंदर चारों के चारों टर्निंग पैर है, ठीक है। यू कैन सी द पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है, जहाँ पे आपके पैर बन रहे चारों के चारों पैर जो है टर्निंग पैर है, यानी यहाँ पे जो भी मोशन रहेगा विथ रेफरेंस टू अनदर लिंक, तो रिलेटिव मोशन जो है वो टर्निंग टाइप मोशन है, ओके। तो दैट कैन टर्न विथ रेफरेंस टू वन अनदर और आपके पास चारों लिंक जो है चारों जॉइंट के है टर्निंग पैर बन, ठीक है। और यहाँ पे इसमें हमारा लिंक नंबर वन फिक्स्ड है, ठीक है, तो नेक्स्ट लिंक के अंदर हम क्या करेंगे लिंक टू को फिक्स करेंगे, सो वी कैन गेट अनदर मैकेनिज्म, ठीक है। तो दिस इज़ द फोर बार चेन मैकेनिज्म, आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे लिंक फोर कैन हैव द कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, आपका जो लिंक फोर है वो कंप्लीट रोटेट कर सकता है एंड द लिंक थ्री एट पॉइंट सी इट इज़ हैविंग अ पार्शियल ओसिलेशन, पार्शियल रोटेशन है, ठीक है, तो उसका एक लिमिट है उसके अंदर वो रोटेट होता रहेगा। सो वी कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिटिंग द मोशन, यहाँ पे आप इनपुट में कंप्लीट रोटेशन देने पे आपको लिंक सी के पास एक डिफिनेट मोशन देखने को मिलेगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्वर्जन ऑफ फोर बार चेन मैकेनिज्म हमारा जो पहला टॉपिक है, फोर बार चेन मैकेनिज्म आपको पता चला कि चार लिंक है, चारों के चार लिंक के पास चार टर्निंग पैर है, ओके। सो मैकेनिज्म, दिस मैकेनिज्म मस्ट हैव फोर टर्निंग पैर, ठीक है, लिंक हमारा जो था फोर बार चेन मैकेनिज्म जिसके अंदर चार टर्निंग पैर है, तो इसमें भी चार टर्निंग पैर आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ द बीम इंजिन, ये हमारा पहला इन्वर्जन है फोर बार चेन मैकेनिज्म का, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। यू कैन सी द सिलेंडर ओवर हियर एंड पिस्टन इज़ मूविंग विद द हेल्प ऑफ पिस्टन रोड, पिस्टन रोड की हेल्प से आपका पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे ई पॉइंट के पास आपको एक टर्निंग पैर देखने को मिल रहा होगा पिस्टन रोड और आपका लीवर के बीच में, ये हमारा एक और लिंक है लिंक 4 दैट इज़ लीवर, ठीक है। लीवर इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रोड और कपलर टू द क्रैंक। तो बी पॉइंट के पास आप एक और जॉइंट मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे बी पॉइंट के पास टर्निंग पैर है, सी पॉइंट के पास टर्निंग पैर है, पॉइंट ई के पास टर्निंग पैर है, पॉइंट ए के पास टर्निंग पैर, तो चार टर्निंग पैर आपको देखने को मिलेंगे, ओके। यहाँ पे ये मैकेनिज्म देख आप देखो तो चार टर्निंग पैर आपको देखने को मिल गए, ठीक है। वन मोर थिंग, आप देखो क्रैंक इज़ हैविंग अ रोटेशन, तो आपका जो क्रैंक है वो रोटेट कर सकता है, और आपका सिलेंडर के पास यहाँ पर स्लाइडिंग पैर मिला है, ओके। तो यहाँ पे दिस मैकेनिज्म इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू स्लाइडिंग मोशन, ओके, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। आपका जो भी रोटरी मोशन रहेगा उसको लीनियर या फिर ट्रांसलेटरी या यू कैन कॉल इट रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करेगा, या फिर यू कैन यूज इट इन अ डिफरेंट वे, यू कैन कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन। तो रोटरी मोशन से रेसिप्रोकेटिंग या फिर रेसिप्रोकेटिंग से रोटरी मोशन आपको मिल सकता है। तो आप यहाँ पे इनपुट मोशन दे रहे हो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप सिलेंडर के पास अगर इनपुट मोशन दे रहे हो तो आपको क्रैंक के पास रोटरी मोशन मिलेगा, और अगर आप क्रैंक के पास इनपुट मोशन में रोटरी मोशन दे रहे हो तो आपको सिलेंडर के पास आउटपुट मोशन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे आपको स्टोरी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। स्टोरी व्हाट इज स्टोरी कि आपका जो भी यहाँ पे फिगर है उसका डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसका मेन काम रहेगा कि रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में वो कन्वर्ट करेगा, ओके। तो कितने टर्निंग पैर है, चार टर्निंग पैर है, वो आपको ध्यान में रखना है। एंड व्हाट इज़ द यूज़ रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेगा, ये मैकेनिज्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाउ इट वर्क्स आप देख लीजिए, ठीक है। इन एक्चुअल कंडीशन बीम इंजन इस तरह से वर्क करता है। तो यू कैन सी द क्रैंक इन द राइट साइड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रैंक का रोटेशन दिख रहा होगा, और यहाँ पे कपलर की हेल्प से यहाँ पे लीवर आपका ओसिलेट हो रहा है, टर्निंग पैर सेंटर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर की मैकेनिज्म है, तो स्लाइडिंग पैर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है उससे आप रोटरी मोशन में से लीनियर रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान से थोड़ा देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड मैकेनिज्म है कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव्स, ठीक है, कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव्स, और उसका दूसरा नाम है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। तो आपको नाम भी याद रखना, डबल क्रैंक मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। डबल क्रैंक मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपको दो व्हील्स देख रहे होंगे और दो क्रैंक यहाँ को देखने को मिलेंगे, सो देर आर टू क्रैंक, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। उन दोनों व्हील को यहाँ पे लिंक थ्री जो है वो है कपलर, ठीक है, कपलिंग रोड भी कह सकते हैं या कपलर कह सकते हैं, जिससे कनेक्ट किया गया है एट पॉइंट सी एंड डी। और आपका लिंक वन जो है वो एडी जो हमारा है वो फिक्स है, दिस लिंक इज़ फिक्स्ड दैट इज़ नॉट मूविंग। और जब भी आप लिंक फोर को अगर रोटेशन मोशन देते हो तो लिंक टू विल रोटेट, ठीक है। अगर आप लिंक टू के पास रोटरी मोशन देते हो तो लिंक फोर विल रोटेट। तो रोटरी मोशन टू रोटरी मोशन ट्रांसमिशन के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। आप पहले चीज़ इसका काम क्या है वो समझ लीजिए, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द रोटरी मोशन टू रोटरी मोशन। तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म जो है वो रोटरी से रोटरी में ही कन्वर्ट करता है, ठीक है। और एक व्हील से दूसरे व्हील पे हम मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी लिखा गया है, स्टोरी में आप लिख सकते हो दैट टू व्हील्स, ठीक है, ए डी एंड बी सी आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लिंक नंबर थ्री विच इज़ कनेक्टिंग रोड, ठीक है, वी दैट इज़ सी डी। तो सी डी हमारा कनेक्टिंग रोड है या फिर कपलिंग रोड है, ठीक है। और जब भी हम सी डी ए डी को इनिशियली रोटरी मोशन देंगे तो सी बी हमारा बी सी जो लिंक है उसको भी रोटरी मोशन मिलेगा, ठीक है। और आपका लिंक थ्री है जो है वो बी हमारे दोनों व्हील के रेफरेंस में ट्रांसलेट मोशन करेगा, तो वो ओसिलेट होता रहेगा ऊपर नीचे, ओके। तो नाम याद रखें, डबल क्रैंक मैकेनिज्म या कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव। आपने जो रेलवे में जो इंजन रहते हैं लोकोमोटिव इंजन, उसके अंदर आपको ने देखा होगा कि जो व्हील्स है उनको, तो आपके दो व्हील्स को इस तरह से कपलिंग रोड से कनेक्ट किया गया होता है, ठीक है। तो उसका भी रेफरेंस लेके आप याद रख सकते हो, ओके। और आपको याद रखना है स्टोरी, जो आप फिगर देख रहे हो उसके हिसाब से आप स्टोरी बना लो कि क्या लिखना है, ठीक है। एंड इन द एंड आपको इसका यूज़ याद रखना है कि रोटरी मोशन टू रोटरी मोशन ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका वर्किंग भी आप देख लीजिए, इस तरह से वर्क करता है। सो यू कैन सी टू व्हील्स विच इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रोड, और दोनों जो है आप किसी भी एक व्हील को अगर आप रोटरी मोशन दोगे तो दूसरे पे वो मोशन ट्रांसमिट
हो जाएगा, तो इसीलिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। ठीक है, व्हाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म का दूसरा नाम है डबल लीवर। तो आपको यहाँ पे भी याद रखना कि दो लीवर यूज़ होने वाले। ठीक है, दो लीवर यूज़ होने वाले और यू कैन कॉल इट व्हाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। तो व्हाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म का देखो आप मेन चीज़ जो है कि आप यहाँ पे याद रखो कि हाउ इट इज़ गोइंग टू बी यूज। तो यहाँ पे भी चार टर्निंग पैर आने वाले एज ये किसका इन्वर्जन है, फोर बार चेन मैकेनिज्म, चार टर्निंग पैर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिंक वन जो है हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, लिंक वन इज़ फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक वन एंड यहाँ पे आपका सिलेंडर जो है वो फिक्स्ड है। तो ये हमारा एक जो लिंक बन रहा है दैट इज़ फिक्स्ड। ओके, और दैट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस रोड टू दिस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आपको लीवर जो है वो दिख रहे होंगे, यहाँ पे बी सी ई ये एक लीवर है और यहाँ पे बी एफ डी ये एक लीवर है। तो दो लीवर है यहाँ पे, ठीक है, बी एफ डी एंड सी ई ये दो जो है वो लीवर है और ए बी एक लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिंक देखो ये एक लिंक है ए सी, देन लिंक सी ई एक लिंक है, यहाँ पे ये सी ई एक लिंक है और बी एफ डी ये एक लिंक है, तीन लिंक। ठीक है, और यहाँ पे हमारा चौथा लिंक जो है यहाँ पे बन रहा है। तो चार लिंक हमारे हैं और चारों में टर्निंग पैर है। यहाँ पे आप देखो एक रेफरेंस में बी पॉइंट डी पॉइंट यहाँ पे सारे जगहों पे आपको टर्निंग पैर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप अगर मेजरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो मेजरिंग के लिए, पावर मेजरिंग के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। इस दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वाट्स इंडिकेटर। वाट्स यानी पावर का यूनिट है वाट, तो पावर मेजरमेंट के लिए ये आपको ये मैकेनिज्म यूज़ होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि यहाँ पे वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे आपका जो भी सिलेंडर होगा वहाँ पे सिलेंडर में कुछ प्रेशर रहेगा, जो भी आपका फ्लूड है, ठीक है, और वो पावर करेगा और देयर विल बी सम प्रेशर और पावर, तो उससे आपका जो ये प्लंजर है उसके ऊपर फोर्स लगेगा और प्लंजर विल मूव इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स के वजह से हमारा जो प्लंजर है अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ से जो मोशन है वो एफ पॉइंट पे आएगी, तो डैट विल पुश द मैकेनिज्म। हमारे यहाँ पे एफ पॉइंट पे फोर्स लगने की वजह से आपका ई पॉइंट जो है, ठीक है, आपकी सी लिंक है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी एंड डैट विल गेट अ न्यू पोजिशन सी डैश ई डैश। तो आपकी सी ई जो पोजिशन है वहाँ से नीचे से आपका जो भी प्रेशर लग रहा है, ठीक है, गैस का, उसकी वजह से वो लिंक जो है वो सी ई सी डैश ई डैश वाली पोजिशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ई एंड ई, यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट है उसका मार्किंग किया होगा, तो आपका स्टार्टिंग में जो प्रेशर होगा उस वो ई पॉइंट से आपको इंडिकेट करेगा कि कितना प्रेशर हो गया है, ये मार्किंग पे आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर आ रहा है वो डैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस एफ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जितना भी प्रेशर, अगर ज़्यादा प्रेशर है यानी आपके इंजन का पावर ज़्यादा है, गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे एफ पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा लगेगा, तो ये ई पॉइंट जो है वो उतने उसी हिसाब से वो ट्रांसमिट करेगा और आपको बताएगा कि पावर कितना है। ठीक है, तो पावर जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म यूज होती है। ठीक है, एंड द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लंजर। ठीक है, प्लंजर का हमारा जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उस हिसाब से ये करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई एंड ई डैश आप डायग्राम में देखो, ई एंड ई डैश इट इज़ हैविंग अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसका हेल्प हम लेते हैं फॉर मेजरिंग पावर। ओके, तो आपको समझ लेना है इसका नाम क्या है, डबल लीवर मैकेनिज्म। स्टोरी याद रख लेना है कि लिंक किस तरह से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, लिंक ए सी है, फिर सी ई है, लिंक बी एफ डी है और एफ जो लिंक है दैट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्लंजर एंड प्लंजर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सिलेंडर। तो जो भी प्रेशर आएगा तो वो फोर्स की वजह से ई पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा ई डैश पे और आपको पावर पता चलेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो आपको समझ लेना है यहाँ पे ये सिलेंडर के अंदर, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इनपुट प्रेशर लगेगा और आपका जो ये मैकेनिज्म हो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और ये पॉइंट जो है आपका ई पॉइंट था वो ई डैश पे चला जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड इम्पोर्टेंट काइनेमेटिक चेन और जो मैकेनिज्म है जिसके बारे में स्टडी करके डैट इज सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। ठीक है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के बारे में समझेंगे। ठीक है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन क्या है, तो उसके अंदर आपको एक स्लाइडर देखने को मिलेगा और एक क्रैंक देखने को मिलेगा। सिंपल बोला गया है
एक स्लाइडर है एंड देयर इज़ वन क्रैंक, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म के अंदर मेन चीज़ आपको याद रखना है कि फोर बार चेन मैकेनिज्म का मॉडिफिकेशन है, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ फोर बार चेन मैकेनिज्म। तो जिसके अंदर हमारे चार टर्निंग पैर थे, ठीक है, चार टर्निंग पैर में से हम क्या कर रहे हैं कि वी आर हैविंग वन स्लाइडिंग पैर एंड थ्री पॉइंट टर्निंग पैर इन दिस मैकेनिज्म, ठीक है। उसमें चार टर्निंग पैर थे तो उसमें से हमने एक टर्निंग पैर को हमने वन स्लाइडिंग पैर में कन्वर्ट कर दिया है, ओके। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ फोर बार चेन मैकेनिज्म, जिसके अंदर चार टर्निंग पैर थे, उसमें से चार में से एक टर्निंग पैर को स्लाइडिंग पैर में कन्वर्ट किया, बाकी तीन टर्निंग पैर है। तो ये जो बन रहा है डैट इज स्लाइडिंग सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, ठीक है। तो आप फिगर को समझिए, ठीक है, दिस इज सिलेंडर, ठीक है, जिसके अंदर पिस्टन है। तो यहाँ पे एक स्लाइडिंग पैर बन रहा है, ठीक है, सिलेंडर के रेफरेंस में पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट करेगा, स्लाइडिंग मोशन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो लिंक टू के पास क्रैंक है और जो फ्रेम है लिंक वन है वो फिक्स्ड है, तो यहाँ पे एक टर्निंग पैर है। फिर लिंक टू के रेफरेंस में कनेक्टिंग रोड जो है वो भी ऑसिलेट होगा, तो यहाँ पे भी एक टर्निंग पैर है। और यहाँ पे क्रॉस साइड जो लिंक फोर है वहाँ पे भी कनेक्टिंग रोड के रेफरेंस में यहाँ पे टर्निंग पैर है। यहाँ पे तीन टर्निंग पैर है एंड वन स्लाइडिंग पैर है, तो ये आपको समझ लेना है, थ्री टर्निंग पैर एंड वन स्लाइडिंग पैर, ओके। और यहाँ पे आप स्टोरी लिख सकते हैं दैट सिलेंडर एंड पिस्टन हैविंग अ स्लाइडिंग मोशन, लिंक वन विच इज़ द फ्रेम विच इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ विच इज़ कनेक्टेड टू द क्रैंक, ठीक है। तो क्रैंक के साथ कनेक्ट किया गया होगा, दैट इज़ लिंक थ्री। लिंक थ्री इज कनेक्टिंग रोड विच इज कनेक्टिंग द क्रैंक एज वेल एज क्रॉस हेड। तो ये आप अपने हिसाब से स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वन स्लाइडिंग पैर है और थ्री टर्निंग पैर है, और यहाँ पे ये जो हमारा मैकेनिज्म है उसका यूज़ किया है, तो यू कैन यूज़ इट फॉर कन्वर्टिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन और रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो जनरल यूज़ है डैट इज़ टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन, तो आपको ये मोशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टोरी जो है वो थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, कि हाउ दे डिस्क्राइब द इमेज, आपकी जो फिगर है उसको डिस्क्राइब किस तरह से किया गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन है, ठीक है। आप सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन हम देख चुके हैं कि उसके अंदर एक स्लाइडिंग पैर रहती है, तीन टर्निंग पैर रहती है, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है, तो हमें एक मैकेनिज्म मिला है। तो आपको याद रखना है एक स्लाइडिंग पैर इसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बाकी के सारे टर्निंग पैर देखने को मिलेंगे। तो आप फिगर देखिए, ठीक है, इसको बोलते हैं पेंडुलम पंप और अ बुल इंजन, ठीक है। पेंडुलम पंप, पेंडुलम आपको पता होगा कि पेंडुलम में आपका जो भी डायल रहता है डैट विल ओसिलेट, ठीक है, आपका जो पेंडुलम रहता है वो क्या करता है, ओसिलेट करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको एक ओसिलेटिंग टाइप मोशन देखने को मिल रही है, इसीलिए इसको पेंडुलम पंप कहते हैं। तो फिगर समझते हैं, लिंक फोर जो है दो सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, दिस इज लिंक फोर। लिंक थ्री जो डैट इज़ कनेक्टिंग रोड विच इज़ कनेक्टिंग द सिलेंडर एंड द पिस्टन, तो पिस्टन और आपके पिस्टन रोड को कनेक्ट कर रहा है आपका कनेक्टिंग रोड, ठीक है। और यहाँ पे आपका है क्रैंक, तो क्रैंक इज़ कनेक्टेड विद कनेक्टिंग रोड एज वेल एज पिस्टन रोड। तो यहाँ पे एक लिंक टू है और लिंक वन जो है डैट इज़ पिस्टन रोड, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या होगा कि जब भी आपका क्रैंक रोटेट करेगा, ठीक है, यहाँ पे आप फिगर से थोड़ा समझने की ट्राई करिए, ठीक है, कि आप क्रैंक जब भी रोटेट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो भी क्रैंक की हेल्प से आपके पिस्टन रोड के ऊपर मोशन ट्रांसमिट हो गए, और वो मोशन जो है वो आपके यहाँ पे पड़े पिस्टन पे ट्रांसमिट हो गई, तो वो फोर्स की वजह से आपका जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करेगा, ओके। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क, ठीक है। इट इज़ यूज एज अ डुप्लेक्स पंप। डुप्लेक्स पंप क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे आपको पिस्टन की एक मोमेंट मिल रही है, स्लाइडिंग पैर की एक मोमेंट मिल रही है, ठीक है। तो दो जगह पे आपको ये पंपिंग का काम कर रहा है, दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड डुप्लेक्स पंप, ओके। एंड इट इज़ यूज फॉर सप्लाइंग वाटर इन अ बॉयलर, ठीक है। तो बॉयलर में आप पानी भेजने के लिए फीड वाटर सप्लाई करने के लिए हम नॉर्मली डुप्लेक्स पंप यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ पेंडुलम पंप। तो दो जगह पे पंपिंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको स्टोरी थोड़ा देख के फिगर थोड़ा याद कर लो और थोड़ा स्टोरी बना लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। यू इफ़ यू सी, तो आपका जो रेड पार्ट है डैट इज़ क्रैंक, ठीक है, उसके साथ आपको एक पिस्टन रोड कनेक्ट है ग्रीन कलर के पार्ट में विच इज़ ओसिलेटिंग, तो पिस्टन रोड इज ओसिलेटिंग। और यहाँ पे आपको एक कनेक्टिंग रोड दिख रहा है जो ए वन पॉइंट ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, डैट इज़ फिक्स्ड एट वन पॉइंट,
और वहाँ पे आपको एक टर्निंग पैर बना रहा है रेड पार्ट के साथ, ठीक है। और स्लाइडिंग पैर आपको दिख रहा होगा, पिस्टन और सिलेंडर का जो स्लाइडिंग पैर बन रहा है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो एक सिलेंडर और एक पिस्टन उसको कंसिडर करते हुए हम ये थियरी समझेंगे, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ओसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, ठीक है। ओसिलेटिंग सिलेंडर एज नेम सजेस्ट कि आपका सिलेंडर जो है वो ओसिलेट होने वाला है, ठीक है। आपका जो सिलेंडर है वो ओसिलेट होने वाला है, वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको देखो, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिंग रोड और आपका यहाँ पे पिस्टन रोड जो है रिंग वन एंड लिंक फोर, यहाँ पे आपका एक टर्निंग पैर बन रहा है। सिलेंडर और पिस्टन के बीच में एक स्लाइडिंग पैर बन रहा है, यहाँ पे एक टर्निंग पैर बन रहा है। फिर क्रैंक और आपके फिक्स्ड जो फ्रेम है नीचे की उसके बीच में एक टर्निंग पैर बन रहा है, और कनेक्टिंग रोड और यहाँ पे एक टर्निंग पैर बन रहा है। तो तीन टर्निंग पैर बन रही है आपकी क्रैंक और पिस्टन रोड के बीच, ठीक है, और एक स्लाइडिंग पैर बन रहा है सिलेंडर और पिस्टन के बीच। तो आपको तीन टर्निंग पैर याद रखना है, यहाँ पे एक टर्निंग पैर, यहाँ पे एक टर्निंग पैर, और यहाँ पे एक टर्निंग पैर, और एक स्लाइडिंग पैर, थ्री टर्निंग पैर एंड वन स्लाइडिंग पैर, ठीक है। दूसरा काम ओसिलेटिंग का है, तो सिलेंडर ओसिलेट होगा, ओके। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे क्रैंक को आप रोटरी मोशन दोगे तो सिलेंडर के पास आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलेगी। सो वी आर यूजिंग दिस मैकेनिज्म, किस लिए यूज़ हो रही है, टू कन्वर्ट दैट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए ये मैकेनिज्म यूज़ होता है, ठीक है। स्टोरी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, फिर भी आप लोग लिंक थ्री किया है, हमारा कनेक्टिंग रोड है, ठीक है, जो टर्निंग पैर बना रहा है हमारे पिस्टन रोड के साथ, ठीक है। एंड पिस्टन रोड इज़ मेकिंग टर्निंग पैर विथ क्रैंक, तो क्रैंक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एंड सिलेंडर एंड पिस्टन हैविंग अ स्लाइडिंग पैर, तो दे आर फॉर्मिंग अ स्लाइडिंग पैर, ओके। एंड व्हेन द क्रैंक विल रोटेट, ठीक है, आपका क्रैंक जब भी रोटेट करेगा, आपको ये लिख सकते हो, व्हेन क्रैंक विल रोटेट द मोशन विल ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ पिस्टन रोड द आवर पिस्टन, एंड पिस्टन विल स्लाइड इनसाइड द सिलेंडर एंड सिलेंडर विल ओसिलेट। तो आपको देखो यहाँ पे सिलेंडर जो है वो ओसिलेट हो रहा है ऊपर नीचे, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ओसिलेटिंग सिलेंडर, ठीक है। ओसिलेटिंग सिलेंडर हमारा जो ये है वो क्यों बोला जाता है, तो दैट इज़ वाई कहा जा रहा है, आपको ये समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्लाइडिंग पैर आपको पिस्टन के पास दिख रही है, बाकी के सारे जॉइंट जो है पैर बन रहे हैं वो टर्निंग पैर है, ओके। तो ये याद रख लीजिए, ओसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रोटरी इंटरनल कम्बसन इंजन, ठीक है, रोटरी इंटरनल कम्बसन इंजन, इसका दूसरा नाम है नॉम इंजन, तो आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। रोटरी इंटरनल कम्बसन इंजन को याद कैसे रखना है कि ये रोटरी पूरा एक रोटरी इंटरनल कम्बसन इंजन, आपको इंजन पता होगा कि जो रहता है सिलेंडर और पिस्टन रहेगा, देन क्रैंक रहेगा, वहाँ पे कनेक्टिंग रोड रहेगा, ये चार पार्ट रहते हैं आपके इंजन के अंदर, ठीक है। जो हम पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन की बात करते हैं हमारी गाड़ियों में जो रहते हैं, ठीक है, चार मेन पार्ट मोस्टली जो हमारा मैकेनिज्म जब भी एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पे रहेगा आपका क्रैंक, देन कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड जो कनेक्ट रहेगा डैट इज़ विद पिस्टन, और पिस्टन और सिलेंडर का एक स्लाइडिंग पैर बनता है। मगर यहाँ पे रोटरी है तो आपको याद रखना कि यहाँ पे सात सिलेंडर यूज होते हैं, ठीक है ना। आजकल ये नहीं यूज़ हो रहा है, दिस इज़ एब्सोल्यूट, ओके, दिस इज़ नॉट इन अ यूज़, पहले बहुत यूज़ हुआ करता था इन एविएशन, आपके जो एरोप्लेन्स के इंजिन्स रहते थे, ठीक है, उसमें हम ये रोटरी इंटरनल कम्बसन इंजन यूज़ किया करते थे। तो उसमें सात सिलेंडर रहते हैं और सात पिस्टन रहते हैं, उसी तरह सात कनेक्टिंग रोड रहेंगे और हमारे सात जो एक क्रैंक रहेगा, ठीक है। तो आपके जो जितने भी सिलेंडर है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है जिससे एक फ्रेम बनता है। तो ये जो फ्रेम बन रहा है आपको बाहर की तरफ, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है विच इज़ सिलेंडर विच इज़ वन लिंक, ठीक है, ये एक लिंक जो है वो फिक्स्ड है आपका, ठीक है, सिलेंडर इज़ नॉट मूविंग। और उसके अंदर आपको कनेक्टिंग रोड दिख रहे होंगे यहाँ पे एक पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे आपको कनेक्टिंग रोड दिखने को मिल रहे होंगे सारे पिस्टन के साथ कनेक्ट किए गए, और बीच में आपको पिस्टन देखने को मिल रहे होंगे, ओके। और बीच यहाँ पे एक क्रैंक है विच इज़ नॉट विजिबल इन दिस फिगर, मगर यहाँ पे एक क्रैंक है जो हमारे सारे कनेक्टिंग रोड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें कितने सिलेंडर रहते हैं, सात सिलेंडर रहते हैं, ठीक है, और सातों सात सिलेंडर जो होते हैं वो एक क्रैंक के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो व्हेन द क्रैंक विल रोटेट, तो क्रैंक जब भी रोटेट करेगा तो क्या होगा कि दैट मोशन विल ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रोड टू द पिस्टन, पिस्टन के पास कैसे जाएगा, कनेक्टिंग रोड की मदद से जाएगा, एंड देयर विल बी सम स्लाइडिंग मोशन, तो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलेगा, ओके। तो ये आप देख लीजिए, ये फिगर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपको सेंटर पार्ट में एक गोल जो सर्कुलर एक बॉडी जो दिख रहा है डैट इज़
क्रैंक। तो आपका क्रैंक रोटेट हो रहा है, क्रैंक की हेल्प से आपको कनेक्टिंग रोड भी दिख रहे होंगे साथ, ठीक है, और वो उसके साथ साथ पिस्टन दिख रहे होंगे। तो ऑल आर हैविंग अ मोशन, ठीक है। तो रोटरी इंटरनल कम्बशन इंजन यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मगर आपको ये फिगर जो है वो याद रखना है और उसको किस तरह से डिस्क्राइब करना है वो आप स्टोरी में देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नाम से पता चलता है कि यहाँ पे जो रिटर्न मोशन है वो क्विक है, ठीक है। यहाँ पे दो मोशन है, एक है फॉरवर्ड मोशन या फिर आप बोल सकते हैं कटिंग मोशन, दूसरी है रिटर्न मोशन जिसमें आपका मोशन है वो फास्ट होता है, ओके। तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। नॉर्मली दिस इज़ यूज्ड इन शेपिंग मशीन, आपने शेपर मशीन देखा होगा, तो शेपर मशीन के अंदर आपको ये मैकेनिज्म देखने को मिलती है, या फिर आपको स्लॉटिंग मशीन होता है, स्लॉटर मशीन, जिसके अंदर आप ये स्लॉट करने के लिए ये मैकेनिज्म यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, देखिए आप फिगर देखिए, ठीक है, यहाँ पे दिस इज़ रैम, ठीक है, और इसके साथ एक कटिंग टूल जॉइंट किया हुआ है, कटिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और उस यहाँ पर आपको कनेक्टिंग रोड दिख रहा है विच इज़ कनेक्टेड टू रैम, रैम के साथ एक कनेक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक स्लॉटेड क्रैंक देखने को मिलेगा, स्लॉटेड क्रैंक के अंदर एक आपको स्लाइडर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क कैसे करता है वो समझ लीजिए, ठीक है। व्हेन दिस क्रैंक विल रोटेट द स्लाइडर विल रेसिप्रोकेट, आपका क्रैंक घूमेगा तो ये स्लाइडर जो है ऊपर नीचे ट्रैवल करेगा, और जब भी वो ट्रैवल करेगा तो कनेक्टिंग रोड की हेल्प से आपको रैम को फॉरवर्ड मोशन या रिटर्न मोशन मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका जो मैकेनिज्म है उसके अंदर आप देखो तो B1 पॉइंट से लेकर B2 पॉइंट, यहाँ पे जब आपका ये जो स्लॉटेड लीवर है वो रहेगा तो ये पोर्शन में आपका कटिंग प्रोसेस होने वाला है B1 से B2 के लिए, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, रैम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, और B2 से B1 जो रिवर्स मोशन है यहाँ रिटर्न में, ये B2 से लेकर B1 में आपका रैम जो है रिटर्न मोशन करेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो B1 से B2 जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उससे B2 से B1 आने में कम टाइम लगेगा, सो दैट इज़ व्हाई दिस इज हैविंग अ क्विक रिटर्न मोशन, ठीक है। यहाँ पे क्विक रिटर्न मोशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे B2 से B1 आने में आपको कम टाइम लगेगा विथ रेफरेंस टू B1 से B2, तो डैट इज़ वाई कटिंग स्ट्रोक जो होगा उसके रेफरेंस में रिटर्न स्ट्रोक जो है उससे तेज़ होगा या क्विक होगा, ओके। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो आपको याद रखना है व्हाट इज़ AP, डैट इज़ अ स्लॉटेड बार, ठीक है। इनिशियल पोजिशन देखिए, इनिशियल ये हमारा एक्सट्रीम पोजिशन है, दोनों ये एक्सट्रीम पोजिशन है। अगर आपका जो स्लॉट है वो B1 पे रहेगा तो आपका जो P1 पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट जो है वो P1 पे रहेगा, और आपका जो रैम है वो R1 पे रहेगा, ठीक है। और हमारा जब एक्सट्रीम पोजिशन B2 पे रहेगा तो पॉइंट P2 पे रहेगा और R2 पे हमारा रैम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से R1 से लेके R2 जो है वो हमारा स्ट्रोक है, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो कटिंग स्ट्रोक बोलेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा तो रिटर्न स्ट्रोक बोलेंगे, ओके। तो आपको समझना है कहाँ पे यूज होता है, शेपिंग मशीन में और स्लॉटिंग मशीन में यूज होता है, और इसका जो रिटर्न मोशन है वो तेज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग मोशन देखना रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको एक रैम का जो गाइडवेज में मोशन है वो स्लाइडिंग मोशन है, बाकी के सारे तीन पैर जो है वो टर्निंग पैर है, तो 1 स्लाइडिंग पैर एंड 3 टर्निंग पैर आप देख सकते हो, ठीक है। अगेन एक और मैकेनिज्म देख लेते, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, अगेन दिस इज़ अ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, आपका जो रिटर्न मोशन जो है वो थोड़ा तेज होगा, ठीक है। पहले ये देख लीजिए, ठीक है, कि वर्क कैसे करता है। सो यू कैन सी द लीवर, ठीक है, यहाँ पे आपका ये स्लॉटेड लीवर है और उसके बीच में यहाँ पे आपको एक क्रैंक दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो गाइडवेज है उसके अंदर आपका ये जो पार्ट है, ठीक है, रैम वो ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे आपको स्लाइडिंग पैर देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको टर्निंग पैर देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रैंक और स्लॉटेड बार के बीच टर्निंग पैर और ये दो जॉइंट के बीच में आपको टर्निंग पैर देखने को मिल रही है, ओके। तो 3 टर्निंग पैर, 1 स्लाइडिंग पैर, एंड वर्क कैसे कर रहा है, तो देखो यहाँ पे कटिंग स्ट्रोक जो देखो, ठीक है, कटिंग स्ट्रोक की बात करें तो ये पॉइंट से यहाँ से ये पार्ट में जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक है, और ये पॉइंट से ये पॉइंट में हमारा कटिंग स्ट्रोक, और यहाँ पे रिटर्न स्ट्रोक है, तो रिटर्न स्ट्रोक देखो तेज़ होगा, ठीक है, इट विल ट्रैवल फास्टर देन ये रिटर्न स्ट्रोक है, तो ये तेज़ हो रहा है, ओके।
तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. नेक्स्ट देखते हैं विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म. ठीक है, विथ वर्क क्विक रिटर्न मैकेनिज्म अगेन आपका रिटर्न मोशन तेज होगा. तो ये रैम है आपका जो लास्ट फिगर में देखा, लास्ट थियरी में देखा वैसा ही. ठीक है, और इनिशियली देखो तो यहाँ पे आपका ये पी वन पॉइंट पे, जब आपका ये पी पॉइंट जो पी वन पे रहेगा तो आपका रैम जो है आर वन पे रहेगा, और पी टू पॉइंट पे जब रहेगा तो आपका रैम जो है वो आर टू पे रहेगा. ओके, तो हमें इंटरमीडिएट एक पोजिशन बताया गया है कि जिसमें आपका ये जो बार है वो डैट इज़ लीवर. ठीक है, ये आपका लीवर है और इसके बीच में ये कनेक्टिंग रोड कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे आप फिगर को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग क्रैंक देखने को मिलेगा. ठीक है, एंड दिस लिंक इज़ फिक्स्ड, यहाँ पे एक लिंक फिक्स है जो आपको ध्यान से देखोगे तो आपको इतना पता नहीं चलेगा. बट आपको समझना है कि यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है. ठीक है, कि आपका जो इनिशियल पोजिशन है, ठीक है, जिसके अंदर आपका यहाँ पे पी वन पोजिशन पे होगा तो रैम आर वन पे रहेगा, पी टू पोजिशन पे जाएगा ये. ठीक है, ट्रैवल करके तो यहाँ पे आर टू पोजिशन पे रैम आएगा एंड अकॉर्डिंगली ये ए पॉइंट जो है वो भी ट्रैवल करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्किंग कैसे है. ठीक है, यू कैन सी दिस फिगर एंड यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे ये देखिए, ये बीच में आपको पर्पल कलर में स्लॉटेड लीवर दिख रहा है. ठीक है, और यहाँ पे आपका स्लॉटेड लीवर के साथ ये रैम जो ट्रैवल कर रहा है वो दिख रहा है, और ग्रीन पार्ट जो है डैट इज़ आवर क्रैंक. ठीक है, और जो आपका ब्लू कलर का पार्ट है जो हमारा कनेक्टिंग रोड है, तो कनेक्टिंग रोड जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है मोशन पूरी रैम के ऊपर. ठीक है, तो ये कनेक्टिंग रोड है आपका, क्रैंक है, देन आप स्लॉटेड लीवर दिखने को मिल रहा होगा और यहाँ पे आपको रैम देखने को मिल रहा होगा. ठीक है, तो हाउ दिस इज़ गोइंग टू वर्क. ठीक है, तो ये आप थोड़ा दो तीन बार देखिए और उसके साथ इसको रिलेट करने की ट्राई कीजिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लास्ट है हमारा डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन. ठीक है, ये हमारा सिलेबस का थर्ड लिंक है जो आपके सिलेबस के सबसे इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि देयर इज़ टू डब स्लाइडर्स. ठीक है, आपको पता चल रहा है कि देयर इज़ टू स्लाइडर्स और टू स्लाइडिंग मोशन. ठीक है, और उसमें क्रैंक भी आ रहा है, तो देयर इज़ टू स्लाइडर एंड देयर इज़ क्रैंक. ठीक है, लास्ट वाला था जिसके अंदर सिंगल स्लाइडर था तो एक ही स्लाइडर था और एक क्रैंक था. ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक क्रैंक और दो स्लाइडर देखने को मिल रहे हैं, तो डैट नाम से ही आपको एक तो पता चल जाता है. तो कितने स्लाइडिंग मोशन मिलने वाले हैं, दो स्लाइडिंग मोशन पैर देखने को मिलेंगे. ठीक है, और दो टर्निंग पैर देखने को मिलेंगे. ओके, तो काइनेमेटिक चेन विच कंसिस्ट ऑफ टू स्लाइडिंग पैर एंड टू टर्निंग पैर इज कॉल्ड डबल स्लाइडर क्रैंक चेन. ये आपको याद रखना है डेफिनेशन से. ठीक है, कि काइनेमेटिक चेन जिसमें दो स्लाइडिंग पैर और दो टर्निंग पैर है उसको क्या बोलेंगे, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज़ है इसके अंदर, आप देख लीजिए. ठीक है, पहला जो है इन्वर्जन डैट इज़ कॉल्ड इलिप्टिकल ट्रैमल. ठीक है, इलिप्टिकल ट्रैमल, तो नाम याद रखिए, इलिप्स आपको पता होगा, सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, तो इलिप्स क्या होता है. ठीक है, एक शेप है इलिप्स जिसको अंडाकार शेप रहता है, तो वो ड्रॉ करने के लिए हमारा मैकेनिज्म यूज होता है इलिप्टिकल ट्रैमल विच इज़ यूज टू ड्रॉ इलिप्स. ठीक है, और इसके अंदर मेन चीज़ आप देखिए, फिगर देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये आपको एक शेप देखने को मिल रहा होगा विच इज़ फिक्स्ड. ठीक है, विच इज़ नॉट मूविंग, आपको एक जो फ्रेम देखने को मिल रहा है. ठीक है, बाहर की तरफ दैट इज़ फिक्स्ड, उसके अंदर दो स्लाइडर है, एक ऊपर है एक नीचे है, दो स्लाइडर आपको देखने को मिलेगा, स्लाइडर वन एंड स्लाइडर थ्री, लिंक थ्री और लिंक वन बोथ आर स्लाइडर. ठीक है, और ये दोनों स्लाइडर को कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ बार और रोड, तो वो लिंक नंबर टू है और लिंक नंबर फोर जो है फिक्स्ड है. ठीक है, हमारा जो स्लॉटेड प्लेट है वो फिक्स्ड है. ठीक है, और यहाँ पे देखो एक स्लाइडिंग पैर ये बन रहा है स्लॉट और हमारे स्लाइडर के बीच, यहाँ पे एक स्लाइडिंग पैर बन रहा है, तो दो स्लाइडिंग पैर बन रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट बन रहे हैं बी पॉइंट और ए पॉइंट के पास, वहाँ पे टर्निंग पैर बन रहे हैं, तो दो टर्निंग पैर है, तो टू टर्निंग पैर एंड टू स्लाइडिंग पैर, आप समझ लीजिए. ठीक है, और जब आप देखो पी पॉइंट को अगर हम ट्रेस करें, अगर आपका स्लाइडर जो है वो नीचे की तरफ ये स्लाइड करेगा, तो जो बार की हेल्प से ये स्लाइडर जो है लिंक वन, वो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में स्लाइड करेगा. ठीक है, तो अगर हम पी पॉइंट को ट्रेस करें तो पी पॉइंट का मोशन कैसा रहेगा, इट विल हैव मोशन लाइक इलिप्स. ठीक है, इससे आपका वन फोर्थ ऑफ इलिप्स कवर होगा, ये पार्ट में ही ट्रैवल करेगा जब हमारा स्लाइडर दोनों मूव करेगा. ठीक है, अगेन अगर आपका ये जो स्लाइडर है, स्लाइडर भी अगर राइट डायरेक्शन में हम रख दें इधर,
और यहाँ पे दोनों को बाहर से कनेक्ट कर दे, तो अगर राइट साइड का जो पोर्शन है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगेन हम अगर स्लाइडर जो है वो ऊपर के ये स्लाइडर को यहाँ रख देते हैं और ये वाला स्लाइडर जो है इसको नीचे रख देते और दोनों को बाहर से कनेक्ट कर देते, तो ये वाला जो नीचे का जो पोर्शन है वो हम इसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ दिस इलेक्ट्रिकल ट्रिमर टू ड्रॉ द इलिप्स। तो इलिप्स ड्रॉ करने के लिए यूज होता है, ठीक है। स्टोरी आप देख लीजिए क्या है, स्लॉटेड बार है, उसके अंदर दो स्लाइडर है, ठीक है, लिंक वन एंड लिंक थ्री, ठीक है। दोनों स्लाइडर को कनेक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ बार, जिसको हम लिंक टू बोलते हैं, और आपको पी पॉइंट को ट्रेस करना है, तो ग्रूव के अंदर ही वो स्लाइडर स्लाइड करेगा और उसके हिसाब से आपका बार जो है वो थोड़ा ओसिलेट होगा, तो हमारी अलग पोजिशन ये पोजिशन पर आएगा, तो आपका बार इस तरह से हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर उसी हिसाब से आपको मोशन मिलने वाली है, ओके। देखिए हाउ इट गोइंग टू बी वर्क। तो ये आपका देख रहा होगा कि आपका एक पॉइंट जो है, ठीक है, पर्पल कलर का जो पार्ट है उसका एंड पॉइंट है जो इलिप्स शेप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और अंदर जो है वो दो स्लॉटेड बार है, बार के अंदर दो जो पिस्टन है वो स्लाइड हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से वर्क करेगा इलिप्टिकल ट्रेमल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्कॉची ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। स्कॉची ऑफ मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीन जो यूज होता है कि रोटरी मोशन आपके पास अगर है, इफ़ यू आर हैविंग अ रोटरी मोशन, तो डैट विल कन्वर्ट इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो रोटरी मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए स्कॉची ऑफ मैकेनिज्म यूज होता है, ठीक है। ये आप पहला पॉइंट समझ लीजिए, टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। दूसरी स्टोरी में आप लिख सकते हो लिंक फोर विच इज़ कॉल्ड फ्रेम विच इज़ फिक्स्ड, ये हमारा फिक्स्ड है। लिंक वन डैट इज़ आवर लिंक टू डैट इज़ क्रैंक एंड लिंक थ्री इज़ अ स्लाइडर, ठीक है। और लिंक वन है वो हमारा फ्रेम का पार्ट है विच इज़ कनेक्टेड टू द आवर क्रैंक, ठीक है। तो हमारा जो टर्निंग, देखो स्लाइडिंग पैर देखो, तो यहाँ पे एक और स्लाइडर है बीच में, स्लाइडर है स्लॉट में, और स्लाइडर जो है वो स्लॉट के अंदर ऊपर नीचे करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन जो है स्लाइडिंग मोशन करेगा, तो दो स्लाइडिंग पैर हो गए, और यहाँ पे एक टर्निंग पैर बन रहा है और ए पॉइंट के पास एक टर्निंग पैर बन रहा है, तो दो टर्निंग पैर है, दो स्लाइडिंग पैर है, ओके। तो फ्रेम इज़ फिक्स्ड, क्रैंक इज़ कनेक्टेड टू द स्लाइडर, स्लाइडर इज़ स्लाइडिंग इनसाइड द स्लॉट, एंड स्लॉट इज़ कनेक्टेड टू द पिस्टन, एंड पिस्टन इज़ हैविंग अ स्लाइडिंग मोशन विथ रेफरेंस टू सिलेंडर। तो इस तरह से आप स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी वर्क, ठीक है। आपको यहाँ पे क्रैंक दिख रहा होगा, क्रैंक के साथ साथ आपको बीच में एक स्लॉट दिख रहा है जिसके अंदर आपका पर्पल कलर का पिन जो है वो स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्लाइडिंग पैर है, यहाँ पे एक स्लाइडिंग पैर है, दो स्लाइडिंग पैर है, और बाकी के जो दो है वो टर्निंग पैर है। तो आपको पता चल रहा है रोटरी मोशन इज़ कन्वर्टेड इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है हमारा इन्वर्जन का, ओल्डहम कपलिंग, ठीक है। ओल्डहम कपलिंग को ये फिगर से थोड़ा समझना टफ है, बट यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर आपको दो स्लाइडिंग पैर और दो टर्निंग पैर देखने को मिलेगी, ओके। एंड ओल्डहम कपलिंग इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग टू पैरेलल शाफ्ट बट व्हिच एक्सिस आर एट स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। दोनों जो शाफ्ट है उसको कनेक्ट करना है या कपल करना है, मगर दोनों की एक्सिस सेम एक्सिस में नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन है या थोड़ा सा ऑफसेट है, तो वो ऑफसेट को मैनेज करने के लिए यह कपलिंग यूज होता है, ठीक है। तो आप देखो फिगर के अंदर यहाँ पे आपका ड्राइविंग शाफ्ट है जिसके ऊपर हम मोशन दे रहे हैं, वो रोटरी मोशन रहेगा, ठीक है। और हमें ड्रिवन शाफ्ट पे भी रोटरी मोशन चाहिए, यहाँ पे आपको ड्रिवन शाफ्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसके बीच में ये जो आपका पार्ट है पूरा, ये डैट इज़ दिस इज़ कॉल्ड ओल्डहम कपलिंग, ये पूरा पार्ट जो है ओल्डहम कपलिंग है। यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पे एक सी, फिर यहाँ पे डी, दो प्लेट दिख रही हो, अगर बीच में एक और प्लेट है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्लेट, तो यहाँ पे आपको दो फ्लैंज देखने को मिल रही है, दो फ्लैंज और बीच में एक इंटरमीडिएट प्लेस, ठीक है। साइड व्यू से देखें तो यहाँ पे आपको एक ऊपर लिंक वन दिख रहा है, एक फ्लैंज है, यहाँ पे एक फ्लैंज है, और बीच में लिंक फोर जो है डैट इज़ इंटरमीडिएट प्लेट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट प्लेट कैसा रहता है, तो इस तरह से रहता है, ठीक है, दोनों तरफ ग्रूव के अंदर वो सेट होता है, और वो क्या करता है विद द हेल्प ऑफ दैट स्लॉट ट्रांसमिट द मोशन रोटरी मोशन टू रोटरी मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस तरह से वर्क करता है वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका ड्राइविंग प्लेट है और यहाँ पे ड्रिवन पार्ट है, और इसके बीच में वी आर यूजिंग दिस कपलिंग
फॉर ट्रांसमिटिंग द रोटरी मोशन टू रोटरी मोशन। और ये इंटरमीडिएट प्लेट आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आपको ड्रिवन प्लेट दिख रही होगी, दो फ्लैंज है। ओके, तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी वर्किंग। ओके, कि आपका जो एक्सिस देखे तो यहाँ पे ये आपका शाफ्ट का एक्सिस है, दूसरा शाफ्ट का एक्सिस है, दोनों के बीच में ऑफसेट दिखने को मिल रहा है, डेविएशन देखने को मिल रहा है, एंड उस लाइन ऑफ एक्शन इज़ नॉट सेम, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है। तो इसी के लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं हमारा ओल्डहम कपलिंग। तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए, ठीक है, कि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ये हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। व्हाट इज़ द इन्वर्जन, आपने समझ लिया कि एक लिंक आपकी मैकेनिज्म है, उसमें एक लिंक को फिक्स करेंगे तो मैकेनिज्म बनेगा, उसमें आप बारी बारी से चेंज करिए आपके लिंक को तो आपको अलग अलग मैकेनिज्म मिलेंगे।